डना में बाढ़ ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। बांध टूटने से कई शहर जलमग्न। बचाव टीम मलबा हटाने में जुटी। गुजरात के अरवली में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। बाढ़ में फंसे लोगों का बोट की मदद से किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। जल भराव के बीच लोगों को हो रही है मुश्किल। अजरबैजान का आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान। नारगोनो काराबाख पर फिर हमला। दोनों देशों की सेनाओं के बीच भीषण गोलीबारी जारी। भारत के सख्त तेवर के बाद कनाडा के बदले सुर। पीएम ट्रूडो ने कहा, हमारा उद्देश्य उकसाना नहीं लेकिन मामले को गंभीरता से लेना। नई दिल्ली लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पर होगी बहस। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी चर्चा। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष की तरफ से बहस करेंगी सोनिया गांधी। आज विधेयक पर होगी चर्चा। कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष बनाएगा रणनीति। नए संसद भवन से पीएम मोदी के नए दफ्तर की तस्वीर आई सामने। नए ऑफिस में बैठे नजर आए पीएम। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश होने पर देश भर में जश्न। अनुराग ठाकुर ने नए संसद भवन में आमंत्रित महिलाओं को बांटी मिठाई। महिला आरक्षण को लेकर हैदराबाद में सेलिब्रेशन। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। महिला आरक्षण पेश होने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह। हैदराबाद में पीएम मोदी के पोस्टर पर किया दुग्धाभिषेक। पटना में भी महिला आरक्षण बिल पेश होने का जश्न। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए खेली होली। महिला आरक्षण बिल पर बोली अभिनेत्री कंगना रनौत, एक अद्भुत विचार है, ये सब पीएम मोदी की विचारशीलता के कारण है। महिला आरक्षण बिल पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, श्रेय लेने की होड़ मची है। बिल पेश होने के समय ना तो सोनिया थी ना राहुल गांधी। महिला आरक्षण बिल पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का बयान, कहा प्रधानमंत्री का फैसला साहसिक, इसमें महिलाओं का उत्थान छिपा है। महिला आरक्षण बिल पर उमा भारती की मांग, कहा बिल में SC ST के साथ OBC महिलाओं को मिले लाभ। महिला आरक्षण बिल को लेकर अपर्णा यादव ने की पीएम मोदी की तारीफ। 2024 के लिए बताया मास्टर शो का, लोकसभा चुनाव में मिलेगा इसका फायदा। महिला आरक्षण बिल को लेकर गाजियाबाद में महिलाओं ने जताई खुशी, का महिलाएं जब घर संभाल सकती हैं तो देश भी संभाल सकती हैं। महिला आरक्षण बिल को JNM का समर्थन, सांसद महुआ मांझी ने कहा स्वागत योग्य बिल, आदिवासी महिलाओं पर खास ध्यान देने की जरूरत। महिला आरक्षण पर बिहार के मंत्री जमा खान का बयान, मोदी सरकार करती है स्वार्थ की राजनीति, महिला सशक्तिकरण के लिए इंग्लिश से ज्यादा किसी ने नहीं किया था। भरतपुर को सीएम बघेल की सौगात, 8 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन। श्रीराम की भव्य प्रतिमा का अनावरण का बीजेपी विरोध नहीं करती तो 2010 में पास हो जाता महिला आरक्षण बिल। अब संविधान सदन कहलाएगी पुरानी संसद। लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। संसद भवन की शिफ्टिंग से पहले सांसदों का फोटो सेशन। अलग अलग ग्रुप में ली गई तस्वीरें, सभी सांसदों का फोटो सेशन। फोटो सेशन में पीएम मोदी भी हुए शामिल, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक हुई। बिहार में शिक्षकों की होगी बंपर बहाली, आंगनबाड़ी के बच्चे पिएंगे सुधा का दूध। नीतीश कैबिनेट में 45 एजेंडों पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सोनिया राहुल अयोध्या रामलला के दर्शन करें तो मानेंगे नहीं। MP के विदिशा पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। सीएम शिवराज के साथ गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। विपक्षी गठबंधन को बताया सनातन विरोध। भोपाल को जल्द मिलेगी मेट्रो की सौगात। 25-26 सितंबर से होगा मेट्रो का ट्रायल रन। अप्रैल तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़। लश्कर ए तैयबा आतंकी उजैर खान ढेर। कोकेर नाग में 7 दिन चला एनकाउंटर सर्चिंग जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शहीद सिपाही प्रदीप सिंह का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लोगों ने प्रदीप सिंह को नम आंखों से दी विदाई। मोहाली में अनंतनाग के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मोहाली चौक पर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। पाकिस्तान के साथ मैच बहिष्कार की मांग। झारखंड के रामगढ़ में पूर्व सैनिकों ने अनंतनाग में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारत माता के गीत जयकारे। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। लंबे बालों के लिए सिदकदीप सिंह चहल का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 4 फीट 9.5 इंच बालों की लंबाई। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं सिदकदीप। MP के सीधी में दर्दनाक हादसा। जमुनिया बांध में डूबने से 3 लोगों की मौत। राहत बचाव टीम ने 3 का शव नदी से निकाला। परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता राशि। MP के राजगढ़ में कार्रवाई को लेकर SDM को लिखा ज्ञापन। बाढ़ के कारण रास्ता बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। बिहार के दरभंगा में डेंगू से पहली मौत पर हड़कंप। DM ने लोगों को एडवाइजरी पालन करने की अपील।
यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा, मां के साथ नहर में नहाने गए दो बच्चे डूबे, दोनों बच्चों की तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। यूपी के मथुरा में यमुना नहाने के दौरान डूबा एयरफोर्स का जवान, गोताखोर कर रहे जवान की तलाश। यूपी के आगरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत एक गंभीर रूप से। यूपी के लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, दो ट्रक की आपस में टक्कर, हादसे में एक की मौत, तीन लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, बार बाल बच्चे कार सवार। उधम सिंह नगर में दान पात्र को मंदिर में उड़ा ले गए चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। एडोई में एंटी करप्शन की टीम का एक्शन, 10,000 रिश्वत मांगने के आरोप में लेखपाल गिरफ्तार। यूपी के संभल, यूपी के बागपत में नक्शा तस्करी का पर्दाफाश, 1 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के फिरोज, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेशोत्सव की धूम, राजनीतिक दिग्गज और बॉलीवुड हस्तियों ने किए बप्पा के दर्शन। मुकेश अंबानी के घर सितारों का जमावड़ा, उत्सव में शामिल होने दीपिका और रणवीर भी पहुंचे, बप्पा का लिया आशीर्वाद। भाई इब्राहिम के साथ सारा अली खान भी पहुंचे एंटीलिया, लाल सूट में दिखी बेहद खूबसूरत। अभिनेता वरुण धवन मुकेश अंबानी के घर पहुंचे, गणेश उत्सव में पत्नी के साथ विश्राम। गणेश उत्सव में पहुंची अभिनेत्री करिश्मा कपूर, रेड ड्रेस में दिखी बेहद खूबसूरत। अंबानी परिवार के गणेश उत्सव में बॉलीवुड के भाईजान भी पहुंचे, सलमान खान ने लिया विघ्नहर्ता का आशीर्वाद। परिवार के साथ एंटीलिया पहुंचे शाहरुख खान, विघ्नहर्ता से मांगा आशीर्वाद। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन भी मुकेश अंबानी के गणेश उत्सव में पहुंची, गजानन का लिया आशीर्वाद। अजय देवगन और रोहित शेट्टी भी पहुंचे एंटीलिया, गणेश उत्सव में विश्राम। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एंटीलिया पहुंचकर लिया बप्पा का आशीर्वाद, पत्नी अमृता भी रही साथ में पहुंची। अनिल कपूर भी नीता अंबानी के घर पहुंचे, खास अंदाज में लोगों से मुलाकात की, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी पर अभिनेत्री भाग्यश्री ने किया गणपति की पूजा अर्चना, देशवासियों को दी गणेश चतुर्थी की बधाई। गणेश चतुर्थी पर सचिन तेंदुलकर के घर पधारे बप्पा, सचिन तेंदुलकर ने बप्पा की आरती उतारी। मुंबई के अंधेरी में गणपति बप्पा का सिंगम अवतार, पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र काने के घर पिछले 6 सालों से वर्दी में आते हैं बप्पा। पटना में गणपति पंडाल में दिखा चंद्रयान 3 का मॉडल, बप्पा को देखने बड़ी संख्या में उमड़े लोग। रायपुर में 120 फीट का भव्य गणपति पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, पंडाल को चंद्रयान 3 का दिया गया। पुणे के दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में भक्तों का सैलाब, भगवान गणपति की पूजा के लिए भारी तादाद में पहुंचे भक्त। ओटीटी पर स्ट्रीमिंग के लिए तैयार है फिल्म जवान, रिलेटेड सीन्स के साथ रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म।